Start with again, we should know the normal anatomy of breast, because when we know the normal anatomy of breast, then only we can understand the malignancy and the malignant aspects of pathology of breast. Okay, so this is a duct and these are the lobules. Why I'm separately telling you? Because we are going to deal with ductal carcinoma of breast, and we are also going to learn about lobular carcinoma of breast. Okay, so before directly going on to the कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, वी शुड नो अबाउट द प्रोलिफेरेटिव चेंजेस. इसमें है डक्टल एंड लॉबुलर हाइपरप्लेजिया, एटिपिकल डक्टल एंड लॉबुलर हाइपरप्लेजिया, हायर रिस्क फॉर द कैंसर देन नॉर्मल पॉपुलेशन. इसमें माइक्रो कैल्सिफिकेशन होती हैं. सो प्रोलिफेरेटिव चेंजेस व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, वन वी विल डील विद डक्टल हाइपरप्लेजिया, अनदर वी विल डील विद लॉबुलर हाइपरप्लेजिया. दिस डक्टल एंड लॉबुलर हाइपरप्लेजिया कैन बी विदाउट एटीपिया और इट कैन बी with atypia, that is atypical. So one entity is ductal hyperplasia and lobular, other is ductal and lobular hyperplasia with atypia. Okay, and usko hum kya bolte hain, atypical ductal hyperplasia, atypical lobular hyperplasia. So when we talk about neoplasm of breast, so we have benign epithelial neoplasm, we have stromal neoplasm. The neoplasm which involve the epithelial, that is the ductal areas, okay, उसको हम epithelial बोलते हैं. अगर वो stroma को involve करेगा उसको हम stromal बोलेंगे. Then we have pre-malignant conditions, okay, then we have malignant epithelial and malignant stromal. So in last session we discussed about benign epithelial like fibroadenomas and all. We discussed about benign stromal, that is benign keloid tumor and all, okay. प्री मेलिग्नेंट और मेलिग्नेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं. मेलिग्नेंट एपिथेलियल में डक्टल कार्सिनोमा, लॉबुलर कार्सिनोमा, दे आर एडिनो कार्सिनोमास, एंड वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनसिटू लीजंस एज वेल, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेलिग्नेंट स्ट्रोमल कॉम्पोनेंट एज वेल. सो वेन एवर अ केस ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा और मेलिग्नेंसी कम, मास और लंप इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन. सो दिस लंप कैन बी पैल्पेबल ऑल्सो, and this lump can be identified on mammography or it can be appreciated on clinical examination and other CT or MRI if it is needed. Otherwise mammography or USG is the investigation to find out the details of the lump. So patient can also present with nipple discharge and patient can also present with pain. अब हम न्यूप्लेसिया वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो नॉन प्रोलिफरेटिव वी हैव डिस्कस, दिस प्रोलिफरेटिव आल्सो वी हैव डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एटिपिकल एपिथेलियल न्यूप्लेसिया. सो दिस इज डक्टल हाइपरप्लेसिया, यू कैन अप्रिशिएट दिस डक्ट हियर. ये सारे एपिथेलियल सेल्स हैं, दिस इज द मायोपिथेलियल सेल्स, यू कैन अप्रिशिएट इन द आउटर एस्पेक्ट, एंड दिस इज अ डक्टल हाइपरप्लेसिया इन विच वी कैन सी सो मेनी डक्टुलर एपिथेलियल सेल्स. सो दिस डक्टल हाइपरप्लेसिया विदाउट एटिपिया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये जो फिगर आपके सामने, दिस इज नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी, दिस इज हाइपरप्लेसिया बट देयर इज नो एटिपिया इन दिस. ओके, दिस इज अगेन अ पैपिलोमा. पैपिलोमा में क्या होता है, दिस डक्टल एपिथेलियम इज थ्रोन इनटू वेरियस फोल्ड्स, इनको हम पैपिलरी फोल्ड्स बोलते हैं, एंड वी कैन अप्रिशिएट स्ट्रेटिफिकेशन एज वेल. ठीक है, वी कैन अप्रिशिएट द स्ट्रेटिफिकेशन, जहां पे आपको दिख रहा है कि द सेल्स आर नॉट अलाइंड इन यूनिफॉर्मली, दे आर हाई और लो अरेंजमेंट एंड वन और टू सेल लेयर थिक. बट पैपिलोमा ऑल्सो हियर वी आर नॉट फाइंडिंग एनी एटीपिया. ओके, अब हम थोड़े से और पैपिलोमा में आते हैं. अनदर व्यू ऑफ पैपिलोमा, हियर दीज डक्ट्स आर थ्रोन इन टू दीज फोल्ड्स एंड दिस इज ट्रू पैपिलोमा बिकॉज वी कैन सी द फाइब्रोवैस्कुलर स्टॉक इन बिटवीन. ओके, so we are going to discuss this atypical proliferation. So atypia ke features kya hote hain, these are the general features of atypia which we should know. So in general features of atypia, what will happen, one thing you all remember, just give me a second. Hello ma'am, mera lecture chal raha hai. One thing you should remember, that when we talk about atypia, okay, there is loss of stroma between the acini. You know the normal histology of breast, that is the histology mein kya hota hai, ducts hote hain aur stroma hota hai. The space between the stroma is the base between the ducts are stroma. To jaise jaise malignancy badhti jayegi,
जैसे जैसे एजीपीआर बढ़ता जाएगा, देर इज लॉस ऑफ स्ट्रोमा बिटवीन द एसिनाई, बहुत सारे एसिनाई बढ़ते जाएंगे, यू फाइंड देर इज यू नो एडिनोसिस. एडिनोसिस मीन्स क्राउडिंग ऑफ एसिनाई, क्राउडिंग ऑफ डक्ट्स, और उसमें स्ट्रोमा कम होता जाएगा. तो अगर स्ट्रोमा कम होता जाता है और डक्ट्स बढ़ती जाती हैं, तो मतलब वो एजीपीआर की तरफ जा रहा है, मेलिग्नेंसी की तरफ जा रहा है. इसको हम स्विस चीज हाइपरप्लेजिया भी बोलते हैं, क्रिब्रिफॉर्म पैटर्न. इसके अंदर वी सी द सेल्स प्रोलिफरिज्म, प्लियोमॉर्फिज्म इन द सेल्स, वी सी हाइपरक्रोमेसिया इन द सेल्स, वी कैन सी इंक्रीज माइटोसिस एंड रोमन ब्रिजेस, आई एम गोइंग टू शो यू इन द पिक्चर, एंड वी कैन ऑल्सो सी निक्रोसिस. सो ये सारे फीचर्स ऑफ एटीपिया हैं. ये आपको एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेसिया में भी मिल सकते हैं, और ये आपको कार्सिनोमा भी मिल सकते हैं. So this is again a pictorial representation to understand the ducts. This is again a normal duct. देखो ये duct है and this is all stroma. So जो उसमें कहा था loss of stroma, मतलब these ductules will keep on increasing and stroma हमारा घटता जाएगा. ठीक है, ये हमारा normal है, ये सारे ductal epithelial cells है. This is atypical hyperplasia. अब ये जो picture है ना, atypical क्यों है? This is not simple hyperplasia of duct. But this is atypical hyperplasia of duct. Why? Because यहाँ पे ductular epithelium is more than 2 to 3 cell layer thick, and in this we can find the features of atypia. मतलब कि इसमें pleomorphism मिलेगा आपको अगर high bar पे देखोगे. कभी कभी आपको mitotic figures भी दिख सकते हैं, hyperchromasia दिख सकता है, pleomorphism दिख सकता है, high NC ratio दिख सकते हैं, इसलिए हम इसको atypical hyperplasia बोल रहे हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज एटिपिकल हाइपरप्लेसिया ऑफ द लॉब्यूल. सो दिस इज ऑल्सो एटिपिकल हाइपरप्लेसिया ऑफ द लॉब्यूल. डक्ट्स और लॉब्यूल में क्या डिफरेंस है, आई शोड यू इन द प्रीवियस स्लाइड्स. ओके, आई होप यू रिमेम्बर दैट, आई विल शो यू अगेन. द फर्स्ट स्लाइड, हाँ, दिस इज डक्ट. ओके, एंड दिस इज होल थिंग इज द लॉब्यूल. ओके, सो दिस वॉज ऑल यू नो अ preliminary and introductory aspect of atypia and the normal duct, normal SNI, atypical hyperplasia of duct, atypical hyperplasia of lobule. अब हम आते हैं DCIS पे. DCIS की full form क्या होती है बच्चों? Anyone in the chat box? I am waiting. Please give your response. Full form of DCIS. Ductal carcinoma in situ. Yeah, perfect. ductal carcinoma in situ. So seedha malignancy discuss karne se pehle we need to know what is DCIS and what is LCIS. okay, ductal carcinoma in situ hoga, uske baad ductal carcinoma hoga, LCIS hoga, that is lobular carcinoma in situ, aur uske baad lobular carcinoma. okay, so ye ek picture hai ductal carcinoma in situ ki. इसमें क्या होते हैं अलग अलग, देयर इज प्रोलिफरेशन ऑफ डक्ट्स एंड दिस पिंक थिंग इन द सेंटर यू कैन सी इज कोमिडो कार्सिनोमा. लेकिन इसको इनसिटू क्यों बोलते हैं, बिकॉज सेल्स में एटीपिया है लेकिन वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इन्वेड नहीं करता, इसलिए इसको इनसिटू बोलते हैं. यहाँ पे मैं दिखाऊंगी, देखो पूरी डक्ट है, पूरी डक्ट के अंदर एटिपिकल फीचर्स आपको दिखेंगे, लेकिन ये डक्ट इसको इन्वेड करके सेल स्ट्रोमा में नहीं जाते. That why it's called in situ. These cells do not invade the stroma and do not invade this membrane and do not enter into the stroma. ठीक है, इसलिए हम इसको ductal carcinoma in situ बोलते हैं. So we'll go further and now we'll talk about DCIS more. थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं. देखो यहाँ पे cells सारे atypical हैं. Why they are atypical? Cell size is increased NC ratio है, किसी किसी में prominent nucleoli भी है, ठीक है, single cell cytoplasm है, but they are limited to this membrane. यहां तक ये limited है, इसको ये cross नहीं कर रहे, इसलिए हम इसको DCIS बोलते हैं, ductal carcinoma in situ. So ductal carcinoma in situ में कभी कभी आपको calcification मिल सकती है, कभी कभी आपको necrosis, comedo necrosis भी मिल सकता है. So this is a focus of micro calcification we can see in the DCIS. ठीक है, Roman bridges मैंने आपको बताया था, मैं बताने वाली हूँ आपको. इसकी पहली next picture पहले देखनी चाहिए. तो इस तरह से जो bridges बनते थे ना lake के पास, these bridges, इसको हम Roman bridges बोलते हैं. अब वापस से इस figure में देखो, ये हमारा ductal epithelium है,
तो ये प्रोलिफरेट होना शुरू हो गया. ओके, ये प्रोलिफरेट होना शुरू हो गया तो इस तरह से ये ब्रिजेस बनाता है, इसको हम रोमन ब्रिजेस बोलते हैं. और ये और प्रोलिफरेट होता जाएगा, एटिपिकल फीचर्स आते जाएंगे, बट स्टिल इट विल नॉट क्रॉस दिस मेम्ब्रेन. ओके, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ डीसीआईएस. सो डक्टल कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. We have proliferation of ducts with necrosis and calcification. It does not invade the basement membrane. It do not go into the stroma. Here we can see the single cell morphology nicely. इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए. ठीक है, माइक्रो कैल्सिफिकेशन, यहाँ पे भी माइक्रो कैल्सिफिकेशन है. ये रोमन ब्रिजेस है, यहाँ पे भी रोमन ब्रिजेस आ गए. अब हम आएंगे नॉर्मल लोब्यूल पे. तो डीसीआईएस हमारा खत्म हो गया, अब हम एलसीआईएस डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो दिस इज अ नॉर्मल लोब्यूल, ये पूरा का पूरा एक लोब्यूल है. एंड दिस इज लोबुलर कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट. हाँ, इसमें जो लोबुलर सेल्स हैं ये पूरे के पूरे प्रोलिफरेट हो रहे हैं, बट स्टिल हियर ऑल्सो यू कैन से दे आर लिमिटिंग ऑन टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, एलसीएस पे आ गए. यूजुअली हैंग्स अराउंड मेनी मेनी इयर्स बिफोर इट इनफिल्ट्रेट्स. जो आपको कहा था बेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है डीसीआईएस और एलसीएस का, वी ऑब्जर्व, वी डू नॉट टू मैस्टेक्टोमी, वी ऑब्जर्व द पेशेंट एंड वी डू द क्लोज फॉलो अप द पेशेंट. ठीक है, इफ इट डज नॉट इनफिल्ट्रेट, ये ज्यादा इन्फिल्ट्रेट नहीं करता, बट समटाइम्स इफ एलसीआईएस आगे जाके किसमें कन्वर्ट होगा, एलसीआईएस आगे जाके लोबुलर कार्सिनोमा में कन्वर्ट होगा. ठीक है, सो लोबुलर कार्सिनोमा में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वो इंडियन फाइल पैटर्न मिलता है. इंडियन फाइल पैटर्न कैसा दिखेगा, दैट आई एम गोइंग टू शो यू इन मेनी फिगर्स अहेड. सो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रेस्ट कार्सिनोमा. ठीक है, तो रिकैप हमने क्या किया. Suppose if you get a short note on breast cancer, तो आपको पता होना चाहिए proliferative regions क्या होते हैं. Ductal hyperplasia अलग, lobular hyperplasia अलग, atypical ductal hyperplasia and atypical lobular hyperplasia. And then you should know about the DCIS, LCIS और उसके बाद आएगा carcinoma. ठीक है, so इसमें epithelial and stromal phylloids के बारे में we are going to discuss in the few slides ahead. Clinical presentation is very important. Can be mass, lump, it can be nipple discharge, it can be pain. So this was ductal hyperplasia, but this is without atypia. Here यहाँ पे papilloma है. This is another picture of papilloma. And then features of atypia we have discussed, single cell features. So this is atypical hyperplasia of duct. It is atypical hyperplasia of a lobule. यहाँ पे DCIS है जो हमने डिटेल में डिस्कस किया, that is limiting the membrane, not going into the stroma. It can form calcifications, Roman bridges, and necrosis. Lobule, so this is lobular carcinoma in situ. Lobular carcinoma in situ, अगर और आगे infiltrate करेगा, तो फिर वो Indian file pattern बनाएगा. Indian file pattern is a typical features of lobular carcinoma, which we are going to discuss in detail. So, we'll take just 2 seconds pause so that we can talk about breast carcinoma in detail. And again, I remind you, today we have Dr. Lavneesh with us, and he is going to discuss in detail about the breast cancer. So I'll just have a talk with Dr. Lavneesh. I will tell him to log in around 3:30, 3:45, so that he can brief you. Okay, just give me a second.
we have confirmed, and Dr. Lavneesh will do this shortly. So now we'll talk about breast carcinoma as such. So breast carcinoma, you are going to get short note and long note on this. It is the most frequent malignant tumor in the females, highest incidence in the developed countries. Risk factor is very important. Okay, so family history is very, very important when you are dealing with the case of breast carcinoma. So before I go further, now you tell me, whatever the words you have attended till now about breast, what are the lesions pathologically which have risk for converting into breast carcinoma? कौन-कौन सी चीजों की tendency है breast carcinoma में convert करने की pathological lesions बताओ. And a birthday typical hyperplasia. Atypical hyperplasia को थोड़ा सा और specify करो बच्चे. शाश्वत थोड़ा सा specify करो कि कौन सा hyperplasia. एटिपिकल हाइपरप्लेजिया जब हम बोलेंगे ना तो हमें एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया भी बोलना चाहिए, एटिपिकल लॉबुलर हाइपरप्लेजिया भी बोलना चाहिए. यस दैट्स राइट. डीसीआईएस भी सही आंसर है, एलसीआईएस भी सही आंसर है. और कोई आंसर? सो मुझे फिलॉइड्स ट्यूमर, वेरी गुड. फिलॉइड्स ट्यूमर, फाइब्रोएडिनोमा. यस फाइब्रोएडिनोमा, दोस का परसेंटेज बहुत कम है, लेस देन 1% चांस, but still it can convert into breast carcinoma. ठीक है, तो फाइब्रोएडिनोमा हो गया, एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया हो गया, एटिपिकल लॉबुलर हाइपरप्लेजिया हो गया, डीसीआईएस हो गया, एलसीआईएस हो गया, बिनाइन फिलॉइड्स कैन कन्वर्ट इनटू मैलिग्नेंट फिलॉइड्स. ओके, सो ये तो ब्रेस्ट की पैथोलॉजी थी विच कैन कन्वर्ट इनटू ब्रेस्ट कार्सिनोमा. बट ब्रेस्ट इज ऑल्सो अ साइट ऑफ मेटास्टेसिस, राइट. तो ब्रेस्ट मलिग्नेंसी में बहुत सारी मलिग्नेंसी वो भी आएंगे जो दूसरे ऑर्गन से ट्रेवल करके ब्रेस्ट में आते हैं. सो ब्रेस्ट इज अ वेरी कॉमन ऑर्गन ऑफ मेटास्टेसिस फ्रॉम अदर ऑर्गन्स. ठीक है, लाइक ओवरी, एंडोमेट्रियम, देयर मेनी ऑर्गन्स. ठीक है, सो रिस्क फैक्टर्स क्या है? रिस्क फैक्टर्स यही जो आपने अभी डिस्कस किए, दीज पैथोलॉजिकल चेंजेस जिसको हम प्रोलिफरेटिव चेंजेस में बोलेंगे, जो हमने डिस्कस किया, अर्ली मेनार्के, लेट मेनोपॉज, हिस्ट्री ऑफ कार्सिनोमा ऑफ सम अदर ऑर्गन लाइक ओवरी एंड एंडोमेट्रियम, और या फिर यूनिलैटरल ब्रेस्ट से वो बायलैटरल ब्रेस्ट में कन्वर्ट हो सकता है. सो ब्रेस्ट कैंसर, वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस प्रिवेंटिव कंट्रोल एंड अर्ली डायग्नोसिस, ऑलवेज ऑलवेज हैव अ बेटर प्रोग्नोसिस. ओके, सो ब्रेस्ट कार्सिनोमा हम डिस्कस करते हैं. जब इंसिटू की बात करेंगे, दिस इज डीसीआईएस, LCIS, DCIS डक्टल में कन्वर्ट करेगा, LCIS लॉबुलर में कन्वर्ट करेगा. इनवेजिव मतलब इनवेजिव डक्टल कार्सिनोमा, दिस इज द सेम थिंग एज डक्टल एंड लॉबुलर कार्सिनोमा. ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इन सीटू को. जो हमने बात किया, इट इज प्री इनवेजिव, तो जब भी DCIS होगा या LCIS होगा ना, मोस्टली दे आर नॉट पैल्पेबल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर नॉट पैल्पेबल. Okay, and sometimes on radiologically also it is not clinically detectable. So we go further. So these DCIS have multicentricity and they are bilateral. They have bland hyperplasia, they have increased atypical features and carcinoma in situ. DCIS mein metastasis nahi hoga, obviously basement membrane is not invaded. So risk of invasion is always there. As I said, DCIS can convert into carcinoma or invasive carcinoma. Now we are going to discuss about the further types of invasive carcinoma of breast. I repeat here, invasive carcinoma of breast is of various types. जिसमें दो टाइप अभी स्क्रीन में है, जिसके डिटेल्स में हम सब डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इनवेसिव डक्टल कार्सिनोमा एंड इनवेसिव लॉबुलर कार्सिनोमा. ओके, एंड फिर ट्यूबुलर कार्सिनोमा इज देयर, म्यूसिनस कार्सिनोमा देयर, मेडुलरी कार्सिनोमा इज देयर, इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा इज देयर, मेटाप्लास्टिक कार्सिनोमा इज देयर. मेटास्टेसिस मैंने आपको बताया था. ट्रीटमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे. तो इनवेसिव डक्टल कार्सिनोमा, जिसको हम शॉर्ट में IDC बोलते हैं, so this constitute the largest group of breast carcinomas, that is 65 to 80%. Mid to late 50s mein aayega, stellate hoga, white form, to jisko hum desmoplasia bolte hain. Medullary carcinoma is another part of it, and this IDC is a hormonally dependent carcinoma. Okay, so estrogen and progesterone exposure is one of the risk factors.
When we talk about invasive lobular carcinoma, we see infiltrative growth, जिसमें ट्यूमर सेल्स हैव लीनियर अरेंजमेंट, एक लाइन में अरेंज्ड होते हैं, जिसको हम इंडियन फाइल पैटर्न बोलते हैं. ये दोनों चीजें आप बहुत अच्छे से तब समझोगे व्हेन आई विल शो यू इन द फिगर्स. सो आई एम गोइंग टू शो दैट यू इन द फिगर्स एज मेटास्टेसिस. सो ब्रेस्ट कैंसर गोज टू द रीजनल लिम्फ नोड्स. Okay, so what is the common lymph node involved? That is the axillary lymph nodes, but it can go to paracervical lymph node as well, cervical lymph nodes as well. Breast carcinoma can go to lungs, liver, bone marrow, and brain. What is the treatment of breast cancer? Treatment is surgery. Alag-alag types of surgery we have available: simple mastectomy, lumpectomy, radical mastectomy, modified radical mastectomy. Okay, and then we go for radiotherapy and chemotherapy and hormonal therapy. Okay, like tamoxifen or trastuzumab. ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे. क्वेश्चन आप पूछ रही हो भुवन, तब नहीं पूछा था. क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक पेशेंट आता है सस्पेक्टिव ऑफ ब्रेस्ट मलिग्नेंसी, सस्पेक्टिव, और लंप भी पैलेटेबल है, सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन कौन सा कराओगे? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन मैमोग्राफी, FNAC. ओके, देखो जितने इन्वेस्टिगेशन होते हैं हमारे, एक इंटरवेंशनल इन्वेस्टिगेशन होते हैं, नॉन इंटरवेंशनल होते हैं. ये मेडिसिन का रूल है, नॉन इंटरवेंशनल इज प्रेफर देन इंटरवेंशनल. ठीक है, तो रेडियोलॉजी तो हम पहले करा लेंगे, सही बात है. रेडियोलॉजी में अल्ट्रासाउंड मैमोग्राफी आएगा, पैल्पेबल है, तो उसके बाद हम FNAC कराएंगे. FNAC के बाद क्या कराओगे? बायोप्सी कराएंगे. वेरी गुड, बायोप्सी कराएंगे. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इसमें कि डायग्नोसिस होने के बाद, डायग्नोसिस हो गया आपका, डायग्नोसिस होने बायोप्सी पे डायग्नोसिस हुआ, यानी कि छोटी बायोप्सी पे, उसके बाद ये जो चार चीजें लिखी है ना, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, एंटी हॉर्मोनल, कीमो, इन चारों में से कौन सी चीज पहले होगी? छोटी बायोप्सी के बाद कौन सी चीज पहले करोगे इन चारों में से? यस, एनीवन? सर्जरी. कुछ कहते हैं एंटी सर्जरी, कुछ कहते हैं कीमो, कुछ कहते हैं एंटी हॉर्मोनल. रेडियो भी कोई लिख दो, चारों आंसर कंप्लीट हो जाएंगे. हॉर्मोनल थेरेपी, रेडियोलॉजी भी लिख दिया, वेरी गुड. रेडियोलॉजी लिखा, रेडियोथेरेपी नहीं लिखा. ओके, सो ये जो सामने लिखा है ना, सर्जरी, रेडियो, इट इज नॉट इन सीक्वेंस एक्चुअली. राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, राइट नाउ जब एक पेशेंट का डायग्नोसिस हो जाता है, कंफर्म डायग्नोसिस ऑन बायोप्सी, ट्रू कट बायोप्सी, छोटी बायोप्सी जिसे हम कहते हैं, उसी वक्त हम पेशेंट का ER, PR और HER2 न्यू स्टेटस करते हैं. ER इज एस्ट्रोजन रिसेप्टर, PR इज प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर एंड HER2 न्यू रिसेप्टर उस काम करते हैं. ठीक है, तो अब जब हमारे पास पेशेंट का हार्मोनल रिसेप्टर आ जाता है, तो फिर वी गिव पेशेंट कीमोथेरेपी एंड एंटी हार्मोनल थेरेपी बोथ. ये दोनों चीजें हम पेशेंट को देते हैं. ये दोनों चीजें देने का फायदा क्या है? सर्जरी से पहले वी गिव कीमोथेरेपी एंड हार्मोनल थेरेपी. What is the benefit? ये मैंने आंसर दे दिया. आंसर इज कीमो एंड हॉर्मोनल थेरेपी. नाउ यू टेल मी वाई वी डू दैट बिफोर मैस्टेक्टमी. डिक्रीज द साइज, वेरी गुड पूर्णा. क्योंकि जो ट्यूमर है वो रिस्पॉन्ड करेगा, तो ट्यूमर श्रिंक कर जाएगा, साइज में छोटा हो जाएगा, और जितना जो हमारा रेसिडुअल ट्यूमर बच जाएगा, फिर हम मैस्टेक्टमी कर सकते हैं. तो फिर क्या करेंगे? अगर हम रेडियो कीमो से, सॉरी, कीमो और हार्मोनल से पहले करते, हो सकता है हमें पूरी मैस्टेक्टमी करनी पड़े या MRM करना पड़े, और हो सकता है उसके बाद हम ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सेल सर्जरी कर सकते हैं. ओके, सो ट्यूमर पूरा श्रिंक कर जाता है, ट्यूमर रिस्पॉन्ड कर जाता है, एंड देन वी गो फॉर ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी ऑल्सो. ठीक है, तो पहले क्या होगा? रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, FNAC, बायोप्सी, देन कीमोथेरेपी, हॉर्मोनल थेरेपी, देन सर्जरी, और फिर लास्ट में जाके रेडियोथेरेपी. तो दिस इज हाउ वी अप्रोच टू अ केस ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा. ओके, चलो जी, अब पैथोलॉजिकली इसके और टाइप्स पढ़ते हैं. तो उससे पहले पेजेस डिजीज ऑफ निप्पल इज ऑल्सो वन ऑफ द वन एंटिटी वी शुड बी अवेयर ऑफ. सो दिस इज रिजल्ट ऑफ इंट्रा एपिथेलियल स्प्रेड ऑफ इंट्रा डक्टुलर कार्सिनोमा. इसमें लार्ज पेल स्टेनिंग सेल्स होते हैं विद इन द एपिडर्मिस ऑफ निप्पल. इट इज लिमिटेड टू द निप्पल और एक्सटेंड टू एरियोला. पेन और इचिंग, स्केलिंग एंड रेडनेस मिस्टेकन फॉर एक्जिमा. अल्सरेशन, क्रस्टिंग एंड सीरियस और ब्लडी डिस्चार्ज. ठीक है, तो पेजेस डिजीज ऑफ निप्पल में ये आएगा. ब्रेस्ट कैंसर और रिस्क फैक्टर्स में आएगा. ये आपको पता होना चाहिए, जो डिस्कस भी किए, बट अगेन वी आर रिपीटिंग इट. एज, एज आई टोल्ड यू अर्ली मिनाके, फर्स्ट लाइव बर्थ, फर्स्ट
family history, breast biopsies, estrogen exposure, radiation exposure, opposite side breast malignancy, endometrium or ovarian malignancy, obesity, and then exercise, lack of breastfeeding, toxins, tobacco, and high fat diet. So these are the risk factors for breast cancer. So prognostic factors kya hote hain? Hum staging karte hain. Wo hum TNM staging we are going to discuss. Age and health and immunity. Okay. HER2 new stage. These are the prognostic factors. So staging kis pe depend karegi? In situ. Stromal infiltration pe depend karta hai. Lymphatic vessels. Lymph node kitni involved hai. ठीक है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस इन द स्किन और डिस्टिन मेटास्टेसिस, ये सारे फैक्टर्स होते हैं. तो टीएनएम स्टेजिंग में वन इज ट्यूमर साइज, एन इज नोडल इन्वॉल्वमेंट, इट इज अनइन्वॉल्वड और इन्वॉल्वड और हाउ मेनी इन्वॉल्वड, इप्सिलैटरल नोड इन्वॉल्वड और कॉन्ट्रालैटरल नोड इन्वॉल्वड, एंड एम इज मेटास्टेसिस व्हेदर मेट्स आर प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट. ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर में जब हम डिस्कस करते हैं, ये तुम्हारा नॉर्मल डक्टुलर पैटर्न है, ये प्रोलिफरेशन है विदाउट एटिपिया, यहाँ पे एटिपिया हो गया, यहाँ पे डक्टल कार्सिनोमा इंसिट्यू हो गया, यहाँ पे इन्वेसिव कार्सिनोमा. ठीक है, इसका एक टेबल रॉबिन्स में आप देख सकते हैं. तो दिस इज ब्रेस्ट कैंसर टाइप. ठीक है, तो डक्टल कार्सिनोमा इंसिट्यू, इन्वेसिव लॉपुलर कार्सिनोमा LCIS, ट्यूबुलर कैबरी फ्रॉम, छोटा परसेंट होता है, सबसे कॉमन है IDC 54%. ठीक है, सबसे कॉमन. उसके बाद हमारा आएगा DCIS, उसके बाद हमारा आएगा LCIS. ठीक है, उसके बाद जो DDCIS, इनवेसिव लोबुलर कार्सिनोमा, देन LCIS. उसके बाद जो ये छोटे छोटे है ना, दीज आर म्यूसिनस कार्सिनोमा, कोलॉइड कार्सिनोमा, पैपिलरी कार्सिनोमा और मेटाप्लास्टिक कार्सिनोमा और न्यूरोनेफ्रीन कार्सिनोमास और लिम्फोमास. ठीक है, ये सारे फिर ब्रेस्ट कैंसर में आते हैं. सो ये द सेम थिंग विच आई शोड यू. So, tubular carcinoma or cribriform carcinoma, better prognosis, mucinous ka better prognosis, medullary ka better prognosis. ठीक है, अब हम और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे. इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल, लॉबुलर, ट्यूबुलर कार्सिनोमा, म्यूसिनस, मेडुलरी, दीज वी आर गोइंग टू डिस्कस. मेडुलरी में हमें बहुत सारे लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, म्यूसिनस में कोलॉइड मिलेगा, ट्यूबुलर कार्सिनोमा स्क्लेरोसिस जैसा मिलेगा, लेकिन इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होगी, सिंगल सेल लेयर होगी, मायोपिथेलियल सेल्स विल बी एब्सेंट. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ इनफिल्ट्रेटिव डक्टुलर कार्सिनोमा. तो इसमें क्या होता है, ये दिख रहे हैं आपको सेल्स. हाँ, ये सेल्स जो है ना, सबसे पहले आपको सिंगल सेल्स देखनी चाहिए. दिस सेल इज वेरी लार्ज इन साइज, हाई एनसी रेशियो. भाई देखो, यहाँ पे न्यूक्लियोलाई भी प्रोमिनेंट है, यहाँ न्यूक्लियोलाई दिख रहा है, यहाँ न्यूक्लियोलाई दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है न्यूक्लियोलाई. ठीक है, और यहाँ पे मायोपिथेलियल सेल्स नहीं है, मायोपिथेलियल सेल्स आर एब्सेंट और डक्ट्स ज्यादा दिख रही है. ठीक है, और ये स्ट्रोमा बहुत कम है, ये डक्ट्स सारी स्ट्रोमा में इनफिल्ट्रेट कर रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को तोड़ के छोटे छोटे सिंगल सिंगल सेल स्ट्रोमा में आ गए हैं, इसलिए इसको हम इनफिल्ट्रेटिव डक्टुलर कार्सिनोमा. ओके, सम मोर पिक्चर्स ऑफ आईडीसी. यहाँ पे DCIS जैसा दिखाया है, जिसमें कोमिडो निक्रोसिस दिख रहा है, सेंट्रल निक्रोसिस और कोमिडो निक्रोसिस इज अ फीचर ऑफ DCIS एज वेल एज डक्टुलर कार्सिनोमा. यहाँ फिर आप देख सकते हैं डक्टुलर कार्सिनोमा, ये छोटी छोटी डक्ट्स है, ये सारे इनफिल्ट्रेट कर रही है, मसल है सारा, पिंक कलर और कोलेजन भी है, तो कोलेजन को और फाइब्रोकोलेजन स्ट्रोमा को इन्फिल्ट्रेट कर. ठीक है, अब हम ERPR पे आते हैं. मैंने आपको बताया था कि छोटी बायोप्सी जब होती है, निशा, छोटी बायोप्सी जब होती है तो इसमें हार्मोन स्टेटस होता है. तो हार्मोन स्टेटस में क्या होगा, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर हमेशा हम कराते हैं. सो यहाँ पे ट्यूमर सेल्स आर पॉजिटिव विद ER, डार्क सेनिंग दिख रही है ना आपको, ब्लैकिश ब्राउनिश, एथलिटिस ब्राउनिश. सो न्यूक्लियर पॉजिटिविटी मिलती है ERPR में. तो अगर कोई पेशेंट ERPR होता है तो उसको हम टेमोक्सिफेन खिलाते हैं, दैट इज हार्मोनल थेरेपी. ये हमारा HER2 न्यू है, HER2 न्यू में मेम्ब्रेनस स्टेनिंग मिलती है, दिख रहे हैं मेम्ब्रेन्स आर पॉजिटिव, सो दीज ट्यूमर सेल्स आर पॉजिटिव फॉर HER2 न्यू, तो उसमें दूसरा वाला हार्मोनल थेरेपी. ओके, सो ये डक्ट्स और लॉबुल्स अलग से दोबारा पिक्चर इसलिए दिखाई है क्योंकि अब हम लॉबुलर कार्सिनोमा की पिक्चर देखेंगे. सो LCIS अगेन, ठीक है, तो इन्वेसिव कार्सिनोमा होता है, बहुत बहुत लॉबुल्स जो हमने डिस्कस कर लिया, अगर ये इन्वेसिव में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम लॉबुलर कार्सिनोमा बोलते हैं. सो दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ लॉबुलर कार्सिनोमा. इंडियन फाइल पैटर्न देख रहे हैं आपको, सेल्स लीनियर अरेंज्ड है, SNR गोल गोल अरेंजमेंट नहीं है, ये एक लाइन में अरेंज्ड है. ओके, दीज सेल्स आर अरेंज्ड इन अ सिंगल लाइन, इसको हम बोलते हैं लॉबुलर पैटर्न. जैसे ये सोल्जर दिखते थे ना कि एक लाइन में खड़े हो रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको एक लाइन में खड़े हुए, इसी तरह से ये ट्यूमर सेल्स भी सारे एक लाइन में है, इसको हम बोलते हैं इंडियन फाइल पैटर्न.
ठीक है, यहाँ पे और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं. दीज ट्यूमर सेल्स आर अरेंज इन सिंगल फाइल लीनियर पैटर्न, ठीक है, तो इसको हम इंडियन फाइल पैटर्न बोलते हैं, और ये स्ट्रोमा के अंदर और इन्वेड कर गया. सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ लॉबुलर कार्सिनोमा, ठीक है. अब ये ट्यूबुलर कार्सिनोमा है जो हमने पैटर्न डिस्कस किया था, ट्यूबुल्स होते हैं एंड इसमें मायोपेथेलियल सेल्स एब्सेंट होते हैं एंड दे आर इनफिल्ट्रेटिंग इनटू द स्ट्रोमा. दिस इज ऑल्सो अ पिक्चर ऑफ ट्यूबुलर कार्सिनोमा, यू कैन अप्रिशिएट दीज ट्यूबुल्स. ये ट्यूबुल्स की जो लाइनिंग एपिथेलियम है पूरा मेलिग्नेंट है एंड दिस इज अप्रिशिएटिंग इनटू द स्ट्रोमा, ठीक है. सो म्यूसिनस कार्सिनोमा पे आ जाते हैं नेक्स्ट. तो म्यूसिनस कार्सिनोमा में क्या होगा कि ये सेल्स तो छोटे छोटे आइलैंड्स में होते हैं, और ये सारा का सारा जो ब्लूश दिख रहा है ना आपको म्यूसिन है, अगली पिक्चर में और अच्छे से दिखेगा. सो म्यूसिनस कार्सिनोमा में आपको क्लस्टर ऑफ स्मॉल आइलैंड्स मिलेंगे, लार्ज लेक्स, और जिसको हम कहते हैं पूल्स ऑफ म्यूसिन मिलता है. लिम्फ नोड मेटास्टेसिस अनकॉमन है, प्रोग्नोसिस इज बेटर एज वी हैव डिस्कस, ठीक है. ये और अच्छी पिक्चर है, ये जो सारा दिख रहा है ना, ये ब्लूश ब्लूश ब्लूश, दिस इज ऑल म्यूसिन, दिस इज ऑल कोलॉइड. इसको हम कोलॉइड कार्सिनोमा बोलते हैं, और ये छोटे छोटे, ये हाई पावर है इसलिए आपको अच्छे से दिख रहा है, छोटे छोटे आइलैंड्स ऑफ ट्यूमर सेल्स हमें मिलते हैं यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है. दीज आर स्मॉल आइलैंड्स ऑफ ट्यूमर सेल्स, और ये पूरा का पूरा म्यूसिन है. अगेन स्मॉल आइलैंड्स ऑफ ट्यूमर सेल्स, ये पूरा का पूरा म्यूसिन है, ठीक है. सो अब हम मेडुलरी कार्सिनोमा के बारे में आ गए. मेडुलरी कार्सिनोमा में क्या होता है, ये ट्यूमर सेल्स होते हैं, हाई एनसी रेशियो है, माइटोसिस मिल जाएगी आपको, न्यूक्लियोलाई मिलेगा, बहुत सारा प्लियोमॉर्फिज्म मिलेगा. लेकिन सबसे क्लासिकल फीचर क्या होता है मेडुलरी का, यहाँ पे आपको लिम्फोसाइट्स का इन्फिल्ट्रेशन मिलेगा. सो यू कैन सी द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अराउंड दीज ट्यूमर सेल्स, ठीक है. यहाँ पे और अच्छे से दिख रहे हैं, बीच में ट्यूमर सेल्स है और इस साइड में जो डार्क ब्लू है दीज आर लिम्फोसाइट्स. मेडुलरी कार्सिनोमा में आपको लिम्फोसाइट्स मिलते हैं. एक और कैटेगरी होती है जिसको हम मेटाप्लास्टिक कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट बोलते हैं. मेटाप्लेजिया का क्या मतलब होता है बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाप्लेजिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाप्लेजिया? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. अनदर व्हाट, क्या अनदर, ठीक से बताओ डेफिनेशन मेटाप्लेजिया. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन एपिथेलियम टू अनदर वन, अनदर एपिथेलियम, ठीक है, ओके. वन एपिथेलियम टू अनदर एपिथेलियम, चेंज ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग, ठीक है, ओके. एक एपिथेलियम से दूसरे में होगा. तो जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा अब तक आपने देखा वो एडिनो कार्सिनोमा था, हाँ, बट यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, ये बीच का जहां मैं एरो घुमा रही हूँ, ये कौन सा एपिथेलियम लग रहा है, कौन से सेल्स है ये दिख रहे हैं, जहां मैंने फोकस किया ये एरो, ये कौन से लग रहे हैं बच्चों, देखो बताओ ये कौन से है जो मैं एरो में कर रही हूँ, ये कौन सा एपिथेलियम है, कौन से सेल्स लग रहे हैं, क्यूबॉइडल लग रहे हैं, कॉलमनार लग रहे हैं, स्क्वैमस लग रहे हैं, लिम्फोइड लग रहे हैं, कौन से सेल्स हैं, चार चॉइसेस दे दी मैंने, बताओ. नो आंसर, किसी को नहीं पता, यस, जो चारों बोला उनमें से एक आंसर है, क्यूबॉइडल, ओके. और कोई गैस, एनी मोर गैस, कोलमनार दूसरा गैस आ गया, आगे इट इज स्क्वैमस, यस यस दे आर स्क्वैमस सेल्स, ठीक है. तो ब्रेस्ट कैंसर में हमें स्क्वैमस एपिथेलियम दिखना शुरू हो जाता है, बट इट इज मलिग्नेंट. ये जो स्क्वैमस सेल्स है ये सारे मलिग्नेंट है, ये जो हमें एरो घुमा रहे, क्योंकि इसमें माइटोसिस दिख रहा है, हाई एनसी रेशियो है, इसलिए हम इसको मेटाप्लास्टिक कार्सिनोमा. तो मेटाप्लास्टिक कार्सिनोमा में हमें डक्टल कंपोनेंट भी मिलेगा, एडिनोसिया कंपोनेंट भी मिलेगा, लेकिन हमें स्क्वैमस वाला एरिया भी मिलेंगे, स्क्वैमस कंपोनेंट भी मिलेगा, ठीक है. तो इसलिए हम इसको मेटाप्लास्टिक कार्सिनोमा, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रेस्ट कार्सिनोमा. थोड़े से पॉइंट्स हम अब स्ट्रोमल न्यूप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे. अब तक हमने सारा एपिथेलियल न्यूप्लाज्म डिस्कस किया, ठीक है. तो इनवेसिव कार्सिनोमा किया, पेजेस डिजीज एंड देन रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर, टीएनएम स्टेजिंग, ट्यूमर निक्रोसिस एंड ट्यूमर नोड इन्वॉल्वमेंट माइटोसिस, दिस इज डक्टल एपिथेलियम, बिनाइन प्रोलिफरेशन, एटिपिकल प्रोलिफरेशन, डीसीआईएस एंड आईडीसी,
ऑल टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन सिटू इनवेसिव, हमने इनफिल्ट्रेटेड डक्टल के बारे में सारे पिक्चर्स में डिस्क्राइब किया, ईआरपीआर या हर2 न्यू स्टेटस, फिर हमने लॉबुलर एलसीआईएस, देन इनफिल्ट्रेटिव लॉबुलर कार्सिनोमा पूरा इंडियन फाइल पैटर्न में, एंड देन ट्यूबुलर कार्सिनोमा, देन म्यूसिनस कार्सिनोमा वी डिस्कस्ड, इसमें म्यूसिन पूल्स हैं, सारे ट्यूमर आइलैंड्स हैं, देन वी डिस्कस्ड अबाउट मेडुलरी कार्सिनोमा, वी कैन अप्रिशिएट लिम्फोसाइट्स, और लास्ट में हमने क्या देखा, मेटाप्लास्टिक कार्सिनोमा जिसमें कि वो स्क्वैमस में कन्वर्ट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट न्यूप्लाज्म, विच आर स्ट्रोमल इन ओरिजिन, ठीक है, इसको हम सिस्टोसारकोमा फिलोइड्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डक्टुलर कॉम्पोनेंट में पैथोलॉजी नहीं होती, स्ट्रोमल कॉम्पोनेंट में पैथोलॉजी होती, ठीक है, तो इसको हम फिलोइड्स ट्यूमर बोलेंगे। लुक्स लाइक अ जाइंट फाइब्रोएडेनोमा एंड इट इज नॉट अ सार्कोमा, हाँ ऐसा दिखता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे फिलोइड्स ट्यूमर कैसा दिखता है। देखो जो लास्ट हमारा सेशन हुआ था ना, उसमें जो स्ट्रोमल ट्यूमर हमने डिस्कस किया था उसमें हमने फाइब्रोएडेनोमा डिस्कस किया था, और यहाँ पे है फिलोइड्स ट्यूमर जो कि स्ट्रोमल कॉम्पोनेंट होता है। तो इसमें जो स्ट्रोमा होता है ना, इसमें लीफ लाइक पैटर्न मिलता है, जैसे कि पेड़ की पत्तियां होती है। सो दिस इज अ केस ऑफ फिलोइड्स ट्यूमर। हाँ लेकिन इसको मलिग्नेंसी में क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि फिलोइड्स ट्यूमर तीन टाइप का होता है, बिनाइन फिलोइड्स, बॉर्डरलाइन फिलोइड्स एंड मलिग्नेंट फिलोइड्स। तो जो मलिग्नेंट फिलोइड ट्यूमर होता है ना, मलिग्नेंट फिलोइड ट्यूमर इट हैज अ रिस्क ऑफ मेटास्टेसिस, ठीक है। तो बिनाइन में क्या दिखेगा, बॉर्डरलाइन में क्या दिखेगा, मलिग्नेंट में क्या दिखेगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, बट दे आर फाइब्रो एपिथेलियल ब्रेस्ट न्यूप्लाज्म, ब्रेस्ट ट्यूमर्स, ठीक है। इसमें एपिथेलियल और सेलुलर स्ट्रोमल कॉम्पोनेंट होता है, एंड द स्ट्रोमल कॉम्पोनेंट इज हाइपर सेलुलर, ठीक है, मेन पैथोलॉजी इज देयर इन द स्ट्रोमल कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिनाइन फिलॉइड्स, बिनाइन फिलॉइड्स क्यों बोल रही हूँ मैं इसको, ये सारे डक्ट्स कंप्रेस हो गए हैं, ये हमारा सारा स्ट्रोमल हाइपर सेलुलरिटी हो गया है, इसमें हमें एचिपिया नहीं दिख रहा, माइटोसिस नहीं दिख रहा, निक्रोसिस नहीं है। सो एबसेंस ऑफ निक्रोसिस, माइटोसिस एंड एचिपिया कॉल्स इट बिनाइन फिलॉइड्स। सो फिलोइड्स मेजोरिटी हमारे लो ग्रेड होते हैं, दैट इज बिनाइन एंड बॉर्डरलाइन, दे हैव हाई सेलुलरिटी, माइटोटिक रेट मिल सकता है मेलिग्नेंट में, प्लियोमॉर्फिज्म मिल सकती है, स्ट्रोमल ओवरग्रोथ, ठीक है। फिलोइड्स ट्यूमर का ट्रीटमेंट क्या है, दैट इज मैस्टेक्टमी और एक्सीजन और लंपेक्टमी। ये जो पिक्चर है ना, ये मेलिग्नेंट फिलोइड्स की है हाई पावर में, इसमें क्या है कि हमें ये स्ट्रोमल के सेल्स मिल रहे हैं, पर प्लियोमॉर्फिज्म है, ये बड़े बड़े सेल्स भी देख रहे हैं, इसमें माइटोसिस मिलता है, यहाँ माइटोसिस है और निक्रोसिस है। तो अगर निक्रोसिस हो जाए, माइटोसिस मिल जाए और प्लियोमॉर्फिज्म आए, तो फिर वो मेलिग्नेंट फिलोइड्स हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिलोइड्स ट्यूमर, यहाँ पे कितनी सुंदर माइटोसिस यू कैन अप्रिशिएट इन अ फिलोइड्स ट्यूमर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, आई थिंक वी आर गोइंग टू सफाइस द सेशन नाउ। तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सब कुछ था, तो वी विल रिक्वेस्ट डॉक्टर लवनीश टू जॉइन नाउ, आई जस्ट आस्क हिम, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट फिलोइड्स ट्यूमर, तो थोड़ा सा एक रिकैप कर लेंगे जब तक डॉक्टर लवनीश ज्वाइन करता है, ठीक है। बिफोर डूइंग द मैम, व्हाट इज द थर्ड हार्मोनल टेस्ट, तो ईआरपीआर और हर टू न्यू मैं एक बार लिखती हूँ, ठीक है, आई जस्ट राइट इट, मैं चैट बॉक्स में लिखती हूँ। ठीक है, इसको हर2 न्यू बोलते हैं, मैंने आपको लोगों को मैसेज कर दिया, हर2 न्यू। तो ईआरपीआर हर2 न्यू ना सबसे कॉमनली हम करते हैं, I'll just write it here also. Okay. So यहाँ पे membranous positivity मिलती है और ERPR में आपको nuclear positivity मिलती है. Okay. So recap करने से पहले और डॉक्टर लवनीश के आने से पहले कोई और questions हैं किसी के? Any more questions? So this normal anatomy, proliferative changes, neoplasm, epithelial stroma. Ek bar, I'll just tell him to join.
सो ही इज जॉइनिंग अस इन 5 मिनट्स, तब तक हम रिकैप कर लेंगे. सो बिनाइन कंडीशंस ऑफ एपिथेलियल स्ट्रोमल एंड मैलिग्नेंट कंडीशंस ऑफ एपिथेलियल स्ट्रोमल. मैलिग्नेंट स्ट्रोमल में क्या आएगा, फिलॉइड्स आएगा. मैलिग्नेंट एपिथेलियल में डक्टल लोबुलर कार्सिनोमा. ठीक है, देन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन डक्टल हाइपरप्लेजिया पैपिलोमा. एंड देन फीचर्स ऑफ एटिपिया, नॉर्मल डक्ट, नॉर्मल एसिनाई, एटिपिकल ऑफ अ डक्ट्यूल एंड अ लॉब्यूल, डीसीआईएस, फिर से डीसीआईएस. डीसीआईएस के फिगर बहुत अच्छी है जिसमें आपको सेल चेंजेस दिख सकते हैं, माइक्रो कैल्सिफिकेशन, निक्रोसिस, रोमन ब्रिजेस. नॉर्मल लॉब्यूल है, LCIS, ठीक है. LCIS अगर इन्वेड करेगा तो इंडियन फाइल पैटर्न बनाएगा, लॉबुलर कार्सिनोमा बनेगा. ठीक है, ये रिस्क फैक्टर्स हैं एंड दिस इज ऑल फर्दर टाइप्स ऑफ कार्सिनोमास एंड पेजेस डिजीज. TNM स्टेजिंग हमने डिस्कस कर ली थी. ठीक है, सो पिक्चर्स में सब कुछ क्लियर है. इन्फिल्ट्रेटिंग डक्टल सेल्स, निक्रोसिस, कॉमिडोनिक्रोसिस, इन्फिल्ट्रेशन इन टू द स्ट्रोमा, ई आर पॉजिटिविटी, न्यूक्लियर पॉजिटिविटी, पी आर पॉजिटिविटी, हर टू न्यू, दिस इज ऑल लॉब्यूल. सो एल सी आई एस, देन इंडियन फाइल पैटर्न लाइक सोल्जर स्टैंडिंग इन अ सिंगल लाइन, इन्फिल्ट्रेटिंग इन टू द स्ट्रोमा, ट्यूमर सेल्स, ये ट्यूबुलर कार्सिनोमा, म्यूसिनस कार्सिनोमा जिसमें हमें बहुत सारे आइलैंड मिलते हैं, एंड दिस ट्यूमर सेल्स इन द पूल्स ऑफ म्यूसिन. फिर हम डिस्कस करेंगे मेडुलरी कार्सिनोमा जिसमें लिम्फोसाइट्स प्रोलिफरेशन है, मेटाप्लास्टिक कार्सिनोमा. स्ट्रोमल में फिलॉइड्स ट्यूमर, बिनाइन, बॉर्डरलाइन मेलिग्नेंट, ये बिनाइन है, और फिर आगे हमारा ये मेलिग्नेंट है जिसमें हमें प्लियोमॉर्फिज्म और निक्रोसिस मिल रहा है, यहाँ पे हमारी माइटोसिस. सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रेस्ट कार्सिनोमा. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? So, Dr. Lavanish is joining in a while, okay? I will just stop sharing my screen so that he can share his screen.